यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि दाल मखनी की सब्जी कैसे बनाई जाती है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है। आप पहले सामग्री नोट कर लीजिए। आपको चाहिए आधा किलो उड़द की दाल बिल्कुल साफ और 250 ग्राम राजमा, और इसी के साथ आपको चाहिए 4 बड़े चम्मच घी, शुद्ध देसी घी, और 200 ग्राम ताज़ा क्रीम, और 4-5 हरी मिर्चें, धनिया, मिर्च मसाला स्वाद अनुसार आप जो भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि राजमा को पूरी रात भिगोकर रखना है, और उड़द की दाल को बनाने से 2-3 घंटे पहले भिगोकर रखना है। जब दोनों अच्छी तरह फूल जाएं, तो इनको बाहर निकाल करके आपने कढ़ाई में इन दोनों को डाल देना है मिश्रण को, और इतना इसके अंदर पानी डाल देना है कि ये दोनों इसके अंदर डूब जाएं, और उस कढ़ाई को जब तक बनाते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरह गल नहीं जाते। गलने के बाद आपने क्या करना है, इसको आराम से देखना, जब गल गया तो उसको उतार के रख देना है। उसके बाद आपने दूसरी कढ़ाई में जो आपने हरी मिर्च, धनिया और मिर्च मसाला रखा हुआ है उसमें घी डाल करके उसको अच्छी तरह आपने उसका तड़का बना लेना है, और बनाने के बाद ये दाल मखनी है इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है 15 मिनट तक। जब आप देखें कि अच्छी तरह दाल मखनी तैयार हो गई है, तो उसके बाद आपने जो क्रीम 200 ग्राम है वो इसके अंदर मिला देनी है, और हरी धनिया की पत्तियां जो हैं वो इसके ऊपर सजा देनी है, और आपको आपका शुद्ध घर की बनी हुई दाल मखनी तैयार है। आप इसको खा सकते हैं और घर का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।